भैया हरो हम भैया खैरागढ़ रियासत के गरीब इंसान और जो बहरिया है बाबू हम बहुत गरीब है। भगवान हमारे ऊपर बहुत गरीबी देती है। कहा बताई भैया आज से 20 साल की पहले कहानी हम आप लोगों से बताई का है कि हमारी पत्नी वो काफी बीमार रहत रहे बाबू। दवा इलाज के बड़े हमारे पास जो थोड़ी बहुत खेती रही वो बेच के हम अपनी पत्नी के इलाज में लगवा दें, लेकिन भगवान का मंजूर नहीं था। वो भगवान का प्यारी हो गई भैया। हमार बिटिया उतनी समय 3 वर्ष की थी, आज हमार बिटिया काफी सयान हो गई भैया। उम्र से भी उम्र हो गए, लेकिन आज दिन तक हम गरीबी के कारण अपनी बिटिया के शादी न कर पावा। हमारे गांव के लोग यही सोचा करे थे भैया कि ये बंशु अपने सुबास के बड़े अपनी बिटिया के शादी नहीं कर। लेकिन हम कहा बताई भैया भगवान हमारे ऊपर गर्दिश प्रकर्दिश टावत चला आवत भैया। एक पाई हम कत कमा नहीं पाए, अगर तक रहा तो हम जंगल बजाए के चिड़ियन के शिकार करते रहे और वहीं से हम अपने घर के खर्च चलावत रहे। आज काफी दिन से हमारे कुछ तबीयत बहुत खराब रहा थे, अब हम चले फिरे नहीं पाए। यही सोचा करी थे कि हमें घर के खर्च कैसे चली भैया। भगवान केहू का गरीबी दे तो बदनसीबी न दे बाबू, ऐसे कि आज हमका दे का करी भैया। इधर उधर से दोनों तरह से 2 वक्त के रोटी चलाई का है और आज हम ये हालत पहुंच गए कि अब हम शिकारों नहीं कर पाए भैया। 2 पैसा कमा रहे बहुत से बात रहित हो गई भैया। मेरे मालिक गरीबी दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे, मेरे मालिक बदनसीबी न दे। हर देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे के मगर बदनसीबी न दे। आप यहाँ भी
रही हूँ। मैं भोजन बनाकर कब से आपका इंतजार कर रही थी। बैठे गंदी वो सर झुकाए हुए बात क्या है पिताजी आया कीजिए। बात क्या है पिताजी आया कीजिए। जाओगे क्या करेंगे आखे जंगल न जाओगे क्या। भोजन तैयार चल कर करिए। आपका इंतजार कर रही थी और आप यहाँ बैठेंगे। बात क्या है कि आप आज शिकार खेलने नहीं जाएंगे। सावरी, तुम जानना चाहती हो कि मैं हमेशा कमजीन क्यों बैठा बैठा हूँ। सुनो बेटी, क्या बताऊँ तुम्हें सारी चिंता तुम्हारी सगाई है। अब बुढ़ापे में आके होता नहीं बिटिया सावरी। अब बुढ़ापे में आंखें होता नहीं दूसरी चिंता अपनी सगाई। अब हम कोई पैसा कहूँ से कमा नहीं पाए बिटिया। हमने ही सोचा करी थे जब तुम्हार महतारी ये देश दुनिया छोड़ के चली गई तब बिटिया तुम 3 साल की रही हो। आज बेउम्र से हो गए शादी नहीं कर पा बिटिया। जब हम बहुत से शादी की बात चलाई थे तो सबसे पहले दहेज के पास कर दी भैया। दहेज के जमाना है। अब हम ये सोचा करे थे कि जब हम 1 पैसा पहुँच कर कमाए नहीं पाए तो हम दहेज के बड़े कहाँ से लाए बिटिया। हम तुम्हार शादी कैसे कर पाओ बिटिया।